बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे कैचअप, टमाटरों की कैचअप, कुदरती टमाटरों की कैचअप। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। सबसे पहले हमने 1 किलो टमाटर लिए हैं। उन टमाटरों को हमने गर्म पानी ले करके एक पतीली में पानी लिया, उसको गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। उसमें अब हमने टमाटर डाल दिए ताकि उसके छिलके निकल जाएं। ये देखिए, अब टमाटर हमने निकाल लिए उधर से। अब हम इसके छिलके उतार लेंगे। हमने पतीली में पानी लिया था, उसको अच्छी तरह गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद जब वो उबाला खाने लग गया पानी, तो हमने उसमें टमाटर ऐड कर दिए। वो अब हम उसमें हमने टमाटर ऐड किए, तो 4-5 मिनट के लिए हमने टमाटर किए कि इतनी देर के लिए कि वो टमाटर अपना छिलका छोड़ दे, नरम हो जाए छिलका, ताकि छिलका आसानी से निकल आए। अब हम उसका अच्छी तरह छिलका निकाल लेंगे। आगे क्योंकि रमज़ान का आ रहा है महीना बाबरकत वाला, तो उसमें कुदरती चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, टमाटर नेचुरल, बाज़ारी चटनी के निस्बत है बाज़ारी कैचअप से अच्छा है कि बंदा घर में कैचअप बनाए, अच्छे तरीके से बनाए, कुदरती बनाए, विटामिन भी सारे मिले। और बच्चों को जितनी अच्छी चीज़ मिलेगी, बच्चों में तो कैचअप ज़्यादा उन्हें पसंद होती है, तो जितनी अच्छी चीज़ मिलेगी उतना उन्हें ज़्यादा पसंद आएगा। एक तो उन्हें चीज़ भी अच्छी मिलेगी और उनको ताकत भी मिलेगी उससे। ले जी, टमाटर अब सारे हो गए हैं। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। ले अब हम टमाटरों को ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से कि बिल्कुल यकजा हो जाए, पेस्ट बन जाए इनकी। इसमें हमने यही टमाटरों का पानी डाल दिया, और क्योंकि अब हमने इसमें और पानी ऐड कर दिया ताकि अच्छी तरह प्यूरी बन जाए, अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। टमाटर हमारे ग्राइंड हो गए हैं। अब हमने चूल्हे पे पतीली चढ़ा ली है, दरमियानी आग पे हमने पतीली चढ़ा ली है। उसमें अब हम टमाटर डाल देंगे, टमाटरों की प्यूरी, और इसे अच्छी तरह पकने देंगे, थोड़ा सा पक जाइए। हमने इसमें पानी थोड़ा और ऐड कर दिया ताकि अच्छी तरह पक जाए, और ये जो पानी जो डाला है ये खुश्क हो जाए और वो अपनी असल हालत में वापस आ जाए। अब हम एक पोटली बना लेंगे जिसमें हमने ये मलमल का हमने एक कपड़ा ले लिया है। इसमें हम एक अदद दरमियाना प्याज कटी हुई दरमियाने साइज़ की वो शामिल कर देंगे। एक हम दरमियाने साइज़ की लहसुन की लेंगे पूरी गुच्छी, और उसको हम छिलकों समेत ग्राइंड करके हल्का सा, और वो शामिल कर लेंगे ऐसे। और खड़ा गरम मसाला हम इसमें डाल लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, जिसमें अब इसकी हम बना लेंगे गिरा लगा के इसको अच्छी तरह पोटली बना लेंगे इसकी। अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, टमाटरों के अंदर, और साथ साथ पकाते जाएंगे इनको अच्छी तरह से कि इसका सारा टेस्ट अच्छी तरह से टमाटरों में आ जाए।
अब हम इसे ढाँप देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये 10 से 15 मिनट के लिए हमने पकाया, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा आ रहा है, ये उबाला आने लग गया इसको। अब हम इसको थोड़ा दबा देंगे ताकि इसका जो सारा टेस्ट है अरोमा है इसके अंदर शामिल हो जाए टमाटरों के अंदर। देखिए वो जो हमने पानी डाला था वो खुश्क होने लग गया। अब जब ये पानी थोड़ा और खुश्क हो जाएगा तो ये अपने केचप रेडी हो जाएगी। अब हमने इसमें 500 ml सिरका ऐड कर दिया, यानी 1/2 लीटर। हमने इसमें 2 कप यानी एक बड़ा मग चीनी का ऐड कर दिया। आप चाहे तो आप अपने टेस्ट के लिए आज से ज़्यादा या कम भी कर सकते हो। अब हम इसको थोड़ा पकाएंगे और इसे अब डांप देंगे ताकि चीनी और सिरका और ये सारे मसाले जो है पोटली में अच्छी तरह से इनका टेस्ट टमाटरों में रच बस जाए केचप में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक की तरफ आ गया काम, अल्हम्दुलिल्लाह अब रेडी है। बस पानी सारा खुश्क हो गया, केचप अब तकरीबन रेडी हो गई है। टमाटरों का जितना पानी हमने डाला था वो खुश्क हो गया, अब ये रेडी हो गई है। ले जी ये फाइनल लुक आ गई है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टमाटो केचप बनी है। हमने इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया है 4 चम्मच, आप चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।